प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के उम्मीदवार श्याम लाल यादव ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। श्याम लाल यादव अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और नामांकन कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को अपना नामांकन पत्र सौंपा। श्याम लाल यादव ने कहा कि गोरखपुर में जाम की समस्या और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। गोरखपुर में रुके हुए विकास को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के उम्मीदवार श्याम लाल यादव ने कहा, हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से प्रत्याशी हैं, श्याम नारायण यादव। आज नामांकन हो गया? हाँ, ये दूसरा नामांकन हमारा है। किस तरह से लड़ेंगे? अब चुनाव लड़ने हम आए हैं, गोरखपुर की जाम की समस्या को देख रहे हैं। प्राथमिकता हमारी गोरखपुर को जाम से मुक्ति दिलाना, महिलाओं की सुरक्षा और गोरखपुर में रुके हुए विकास को कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी हैं, इन लोगों को जनता से सरोकार नहीं है, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हैं और जमीन से चुनाव जीत करके त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत के सदन में मुस्तैदी से अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद किए हैं और गोरखपुर लोकसभा में पहुँच कर अपनी गोरखपुर की जनता की दबी हुई आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे।